बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदिल है और मैं कुवैत से हूँ। मुझे कमर में पेन थी तकरीबन 1.5 साल से, और ये मुझे वज़न उठाने की वजह से हुआ था। बैड फॉर्म से वज़न उठाया था, इसलिए पेन शुरू हुई है। मैंने इसका कुवैत से भी इलाज करवाया है 2-3 डॉक्टरों से। वो मुझे दवाई जो देते थे उसका वक्त ही मुझे आराम रहता था। उसके बाद जब दवाई छोड़ता था, दोबारा से ये दर्द स्टार्ट हो जाता था। अब पाकिस्तान में भी आके मैंने 1-2 डॉक्टर से जो है ना वो इलाज करवाया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब पे जो है ना CBT देखा है, और इनका मैंने सारा रिव्यू वगैरह चेक करके, डिटेल चेक करके मैं इनके पास आके कॉन्टेक्ट किया है, तो इन्होंने मुझे जो है ना समझाया क्या प्रोसेस है सारा। उसके बाद मैंने अपना इनसे ट्रीटमेंट करवाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब तकरीबन 95% तक आराम है। दर्द जो है वो जिस तरह इतनी तेज होती थी कि बर्दाश्त नहीं थी होती। मैं नमाज तक नहीं था पढ़ सकता, रुकू में नहीं जा सकता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना शुक्र है अल्लाह का कि दर्द जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया इस टाइम। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा आप लोगों को कि काइंडली थोड़ा सा अपने सेहत के साथ जो है ना वो कंप्रोमाइज ना किया करें, देखा करें कि क्या चीज बेहतर है, उसके मुताबिक आप जो है ना अपना ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर के पास अगर जाएंगे वो जस्ट आपको पेन किलर देंगे, पेन रिलीफर देंगे, और जब आप वो दवाई छोड़ेंगे आपको दोबारा ये पेन स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए आप खुद भी बेशक सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, कायरोप्रैक्टर वगैरह उन्होंने दिए होते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कैसे ये ट्रीटमेंट होता है, क्या तरीकाकार है इनका, और आप एट द स्पॉट आपको जो है ना इसका रिजल्ट मिलता है। तो बस यही बात है कि आप देखें और अपना इलाज वगैरह जो है ना यहाँ से आगे करवाएं। इनका काफी अच्छा तरीकाकार है और काफी सेटिस्फाई करके जो है ना अपने पेशेंट को ये यहाँ से ट्रीट करते हैं। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नाज अमीन खान है, मेरा ताल्लुक टोपी सवाबी से है। मेरे कमर का और एक रंग का मसला था। पेशावर मरजान में MRI भी किया है, उधर बहुत से डॉक्टर से इलाज भी किया है, लेकिन वो इलाज जो वक्ती तौर पर तो अच्छा था, लेकिन बाद में मसला दूर नहीं हुआ। अभी मैंने CPT पाकिस्तान रावलपिंडी में जो है इससे इलाज कराया, आज मेरा 3रा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मसला था वो 80% मुकम्मल ख़त्म हुआ है इंशाल्लाह। और ये यहाँ जो है ना इलाज जो है ना इंजेक्शन या दवाई के जरिए से नहीं होता बिल्कुल, बल्कि इनके हाथों के जरिए होता है, और जो भी मरीज आता है इंशाल्लाह वापस जो है ना ठीक ठाक होके चला जाता है। तो मेरा भी जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ख़त्म हुआ है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राया सब, मेरा नाम है शेखपुरा से, मेरा तल्लक है। तो मेरी वाइफ को 2 महीने से डिस्क पेन था, जिसको मैं प्रॉब्लम थी, और साथ नस्क भी हुई थी। तो हमने लाहौर नेशनल हॉस्पिटल, आदर हॉस्पिटल, पत्तों की वगैरह काफ़ी जगह से इलाज करवाया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। हम CPT क्लिनिक में आए हुए थे रावलपिंडी, तो अब तीसरी आखिरी स्टेज है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई हैं। ये बहुत अच्छा इलाज है। और किसी भाई को कोई तकलीफ कोई मसला हो तो इन भाई से CPT से रब्ता करें। ये बगैर दवाई और बगैर किसी वजह, कोई भी वजह नहीं है इसमें, कोई दवाई नहीं है। 3 दिन में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कफील है, मैं गुजरात से हूँ, काम मेरा जनरल हुआ है, और 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया। फिर मैं अपनी पिंडी से भी 2-3 जगह से ट्रीटमेंट करवाया, फिजियोथेरापी वर्क करवाई है, बल्कि एक न्यूरो सर्जन के पास भी गया। तो फिर उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पे कि CPT पाकिस्तान के हवाले से कायरोप्रैक्टर हैं अमर शहजाद साहब, तो बगैर दवाई के, बगैर ऑपरेशन के ये सारी जो ट्रीटमेंट है वो देते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। प्लीज़ काइंडली काइंडली मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं। किसी बंदे को मोरों का मसला है, ऐसी वैसी बैकबोन का मसला है, तो प्लीज़ आप सीधे इधर आ जाएं, किसी ऑर्थोपेडिक के पास ना जाएं, किसी न्यूरो के पास ना जाएं। ये सब लोग फिजियोथेरापी वगैरह ये सब लोग सेशन करवाते हैं, लूट रहे हैं लोगों को। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे मैंने ये 6 सेशन करवाए, 3 दिन में यहाँ पे रुका हूँ, और 80% मुझे फ़ायदा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, और मैं बड़ी दुआएं दे रहा हूँ उनको। और प्लीज़ काइंडली आप लोग
भी मेरी तरह इधर आए और सेहत याब होकर अपने घर जाए। थैंक यू। और मेरे मिसेस को काफ़ी अच्छे से काफ़ी पेन हो रहा था कमर में, उसके मोरों में काफ़ी मसला आ रहा था, गर्दन में दर्द था। इस वजह से हमने बहुत से डॉक्टरों के पास गए और डॉक्टरों ने मतलब दवाई काफ़ी इस्तेमाल किया, बहुत सारी दवाई इस्तेमाल की, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने नेट के ऊपर देखा है अमर शहजाद साहब का, ये झटके देखा CPT का, इसका पता चला। फिर हमने इसके रबता किया यहाँ पर आके, यहाँ से रास्ता करके यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट किया तीन दिन के बाद का उसका दर्द का काफ़ी फ़र्क पड़ गया, बहुत सारा 70-80% फ़र्क पड़ा। इस वजह से हमें तो इससे मुतमिन होकर जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गफूर हुसैन है, मैं कुवैत से आया इधर, मुझे छाती का पेन था, मैं उधर कुवैत में भी इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान में भी बहुत जगह घूमा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने CPT का सुना और इधर आया, और इधर आके अल्लाह ने कर्म किया, 3 दिन में मैं बिल्कुल तकरीबन ठीक हो गया हूँ, अल्लाह ने बहुत कर्म किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस भी दर्द है मोरों का, कमर का, पाँव का, जो भी दर्द है, इधर आए निसार हॉस्पिटल में और इलाज करवाएं, इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू। मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, गुलबहार नंबर 3 से, और मेरे मोरों में बहुत सब ज़्यादा तकलीफ था। मैंने तरह तरह की दवाई इस्तेमाल की, फिर मैंने यूट्यूब में CPT देखा, तो इसके साथ इधर आ गए, मैं इस्लामाबाद आ गया निसार हॉस्पिटल, और डॉक्टर साहब से मैंने इलाज किया, तो इंशाल्लाह ताला मेरा तो तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। और आप लोगों को भी दावत देता हूँ कि आप भी आए इधर, ना दवाई की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप आकर इधर इलाज करें, ऑपरेशन से पहले पहले डॉक्टर साहब से राबिता करें। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अभी CPT रावलपिंडी में हूँ डॉक्टर शहजाद के साथ, तो मैं 3 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तीसरा दिन है, बिल्कुल मेरे कमर का दर्द जो था, जो पेन थी लेग में, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ठीक कर दी। इसमें ना कोई सर्जरी हुई है ना कुछ हुआ, बस इनका जो ट्रीटमेंट है, जो सेशन है, 2 सेशन होते हैं, वो करना होता है, ना ऑपरेशन होता है, ना दवाई, ना कुछ, पानी से ही करते हैं, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है पेन के लिए जो भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये सर्जरी से या किसी और चीज़ से, मैं भी गया हूँ 2-3 जगह इलाज किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नेट पे देख के इधर आया हूँ, तो मेरे खुद भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी तकलीफ है, एजेड भी हैं, यंग भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको भी ये रेफर करूँगा। और अगर आपको किसी को तकलीफ है तो बगैर सर्जरी के बेस्ट इंशाल्लाह तरीके अल्लाह पाक ने बस जरिया बना दिया उनको, तो आप बिस्मिल्लाह करके आ जाए, इंशाल्लाह आपको बहुत आराम मिला। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक बिशार अहमद है, मैं बिजनेसमैन हूँ और IT की फील्ड से मेरा ताल्लुक है। मुझे शक्टिका का पेन हुआ था, मैं इनके पास आया और इट वॉज लाइक कि मैं चल भी नहीं सकता था, बड़ी तकलीफ में है, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, मैं अभी बैठा हूँ, मैं इस पोजीशन पे भी नहीं बैठ सकता था मैं, और मुझे फर्स्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से ही मेरा पेन जो था वो रिलीज हुआ मेरा। शक्टिका के बारे में मैंने काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, मुझे हर एक ने ये कहा कि इसकी एलोपैथी में कोई नहीं है, इसका आप होम्योपैथी कर लें, या मुझे अगर किसी सर्जन ने कहा, मेरी फैमिली में सर्जन हैं और उन्होंने मुझे कहा कि इसकी आर्थो एडजस्टमेंट या डिस्क एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो उन्होंने भी ये, तो जो CPT है, मैं इनके पास आया, CPT आपकी डिस्क एडजस्टमेंट और बोन और आपकी पूरी फुल बॉडी स्ट्रक्चर को एडजस्ट करते हैं, तो ये बड़ा हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड। और ये जितने भी टेक्निकल लोग, IT के लोग, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए ये ज़्यादा चीज़ है। मैं यूरोप में और अमेरिका में मैं इसको फॉलो भी कर रहा था, और मुझे जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने रिकमेंड किया, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस चीज़ के बारे में कि ये आप लोग उसको फॉलो करें, और अदर देन सिकनेस वैसे अपनी लाइफ में आपको ये एडजस्टमेंट्स करानी चाहिए, ताकि आपका जो पोस्चर्स हैं, जैसे फीमेल्स होती हैं वो इड़ियाँ पहनती हैं बहुत ज़्यादा, उनको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, तो यूरोप में मैंने देखा है कि वो ये काम करवाते हैं उनके पॉस्चर्स को ठीक करने के लिए, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।